हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 जो कि कंट्रोलिंग है, उसके सेकंड लेक्चर में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि इसी लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करने की, पर अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर एक थर्ड लेक्चर भी आ सकता है। तो ठीक है, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है वो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो जुड़वा भाइयों की तरह हैं। इनका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों इनसेपरेबल हैं, यानी इन दोनों को आप अलग अलग नहीं सोच सकते। प्लानिंग अगर आप करते हैं तो कंट्रोलिंग भी आपको चाहिए, और कंट्रोलिंग के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमारा जो प्लान रिजल्ट्स होता है और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होता है, इन दोनों के बीच में जो फासला है, इसको मिटाने के लिए, यानी कि आपने जैसा प्लान किया है वैसा ही एक्चुअल रिजल्ट्स आए, इसको मिटाने के लिए ही कंट्रोलिंग चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो पूरी तरह प्लान के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक आपके पास एक प्लान नहीं रहेगा तब तक आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आप प्लान के नक्शे कदम पर ही कंट्रोलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, और कंट्रोलिंग के फीडबैक के ऊपर ही फिर से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमको पढ़नी है रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। तो देखो, नेचर एंड कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग बेसिक फंक्शन है एवरी एंटरप्राइज का, क्योंकि प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, प्लानिंग में व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। ठीक है, तो प्लानिंग में ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने डिसाइड कर ली, क्योंकि प्लानिंग जो है वो क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप आज प्रेजेंट में जिस पोजिशन में खड़े हैं और आप फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये जो गैप है इसको प्लानिंग से ही ब्रिज किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप प्रेजेंटली एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो कॉमर्स के, ओके, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और फ्यूचर में आपके कुछ टारगेट्स हैं लाइफ में, मान लो कि आपको सीए करना है या आईआईएम वगैरह से एमबीए करना है, कैट वगैरह क्लियर करके। तो ये जो फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक प्लान्ड वे में पढ़ाई लिखाई या जो भी हो बाकी चीज़ें अपनी लाइफ की रूटीन को नहीं बनाओगे, नहीं ढालोगे, तो ये फ्यूचर का जो आपका सिचुएशन है, जो आप पाना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, ये उपलब्धियाँ, ये कभी आपसे हासिल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंट से उठ के आप एक डिजायर्ड फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो भी गोल्स हैं आपके फ्यूचर में वो आप अचीव कर सकते हो। ओके, तो कंट्रोलिंग का यहां पर क्या रोल है? अब ये जो आप फ्यूचर में सीए बनने की, मान लो आपने एक सपना देखा है, एक गोल बनाया है अपने लाइफ में कि मैं सीए बन के रहूंगा। अब प्रेजेंट में आप क्लास 12 में हो, आपने काफ़ी ज़्यादा प्लान बना लिए कि 12 के बाद मैं सीए के एंट्रेंस यानी कि सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, उसके बाद सीपीटी में अपियर करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करके फाइनली मैं सीए बन जाऊंगा। तो प्लान्स तो आपने बना लिया, लेकिन एक बार प्लान बन जाए तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो काम में लग जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन यानी क्या? आपको अपने प्लान के हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि कहीं भी मैं अपने लाइफ के टारगेट को अचीव करने में प्लान से भटक ना जाऊं। हर दिन जितने बजे आपने प्लान किया है कि सुबह इतने बजे उठूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, यहाँ पर ये कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, या ये सब चीज़ें प्लान आपने कर रखी हैं, और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो आपको बाध्य कर देता है, आपको फोर्स करता है कि आप अपने प्लान के हिसाब से ही चलो। तो प्लान तो पहले पेपर पर बन जाते हैं, लेकिन प्लान के हिसाब से एक्चुअल एक्शंस को चलाना को ही कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इसीलिए प्लान और कंट्रोल, ये दोनों फंक्शन जो हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, प्लानिंग कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑलवेज को एग्जिस्ट और हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक साथ हमेशा देखे जाते हैं, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है और दूसरा पहले पे। अब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है कि आप प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो अगर आपके पास प्लान्ड परफॉर्मेंस ही नहीं होगा तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर करोगे? फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट में महीने का 1000 यूनिट जो है प्रोडक्शन प्लान किया गया है। अब 1000 यूनिट ये है प्लान, ओके, और एक्चुअल आ गई, मान लो आपकी एक्चुअल आ गई 950 यूनिट। तो ये 950 यूनिट आप देखते ही कहोगे कि 50 यूनिट कम बने हैं,
प्लान से 50 यूनिट शॉर्टेज है। तो ये प्लान से 50 यूनिट शॉर्टेज है आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास प्लान के 1000 यूनिट्स हैं। अगर आपके पास प्लान ही नहीं रहेगा तो फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे? तो आपको पता कैसे चलेगा कि परफॉर्मेंस जो हुई है वो अच्छी हुई है कि खराब हुई है? तो हमको हमेशा किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिसे हम कंपेयर करके बता सकें कि जो रिजल्ट जो है वो सही है या गलत है, ओके, अच्छा है या बुरा है। तो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर प्लान में आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो फिर आप कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, ओके। अब ये तो हो गया कंट्रोलिंग कैसे प्लानिंग पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ अगर आप सोचें तो प्लानिंग फंक्शन भी कंट्रोलिंग फंक्शन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लान जो है वो सिर्फ पेपर पर ही नहीं बनाए जाते पर उनको ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो और इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ता है, तभी जाके आपके डिजायर्ड गोल्स जो हैं वो अचीव होते हैं। और प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो और इम्प्लीमेंट करवाने के फंक्शन को ही कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन ही ये निर्धारित करता है कि जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से फॉलो और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्लान को हर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये देखने का काम, ये मॉनिटर करने का काम कंट्रोलिंग फंक्शन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो प्लानिंग पर डिपेंडेंट है और प्लानिंग फंक्शन भी जो है वो कंट्रोलिंग पर डिपेंडेंट है। अब प्लानिंग फंक्शन में क्या होता है, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन 50 यूनिट का, ये कंट्रोलिंग फंक्शन में इसके रीजंस पता किए जाते हैं कि 50 यूनिट कम क्यों बने। अब रीजंस में मान लो कुछ बातें सामने आई कि इसलिए कम बने, अब उन बातों को दिमाग में रखकर फिर से प्लान को रिवाइज किया जा सकता है। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के ऊपर भी इस तरह से डिपेंडेंट है, ओके। अब थर्ड पॉइंट देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लानिंग जो है वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो हमेशा लोग सोचते हैं कि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग जो हम करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करके, वो हम पास्ट के डाटा को देख के करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, पर ऐसा नहीं है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हैं। वो कैसे? देखो, प्लान जो हम बनाते हैं, प्लान हमको करना पड़ता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये बात तो सही है, इसीलिए प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग तो हो गया। लेकिन जो भी प्लान हम करते हैं वो पिछले साल के डेटा को लेकर, पिछले साल की परफॉर्मेंस को लेकर, इन सब बातों को दिमाग में रख के, इन सब बातों को स्टडी करके ही प्लान्स बनाते हैं। यानी कि पिछले साल की जो हमारी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री रही है उसको स्टडी करने के बाद ही हम प्लान्स बनाते हैं। तो प्लानिंग करते समय भी हमको पीछे देखना पड़ता है, पीछे यानी कि पिछले साल का डेटा, पिछले साल की हिस्ट्री, पिछले साल में क्या टारगेट्स अचीव हुए, पिछले साल में एम्प्लॉयज़ ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख कर प्लानिंग होती है फ्यूचर की। तो प्लानिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हो गया। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और उसके रीजंस निकाल रहे हैं, तो वो पार्ट जो है वो बैकवर्ड पार्ट हो गया, बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि हम पुराना डेटा देख रहे हैं कंपेयर करने के लिए। लेकिन जब हम उस डेविएशन को सही करने की या उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्लानिंग और एक्चुअल आउटपुट में कोई अंतर ना रह जाए, डेविएशन बिल्कुल ज़ीरो हो, उसके लिए जो स्टेप्स क्या लेने चाहिए वो जब हम सोच रहे हैं तो वो फिर फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है, वो फिर फ्यूचर में चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रेस्क्रिप्शन देता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है, ठीक है। तो कैसे हमको काम करना है, किस एक्शन को फॉलो करना है, वो हमको प्लानिंग बताता है, ताकि इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। लेकिन कंट्रोलिंग जो है वो इवेल्युएटिव है। कंट्रोलिंग फंक्शन ये देखता है, ये चेक करता है कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन हमने प्लानिंग में बनाया था उस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच रिलेशनशिप। यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूशन लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ये लास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप
जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो वहाँ पर आप पॉज करके टेक्स्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये इमेज जो है उसी में सारी कहानी लिखी हुई है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं वो प्लानिंग के अनुसार बनते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हमको मंथ में करना है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 50 रुपये पर यूनिट तक लेके आना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टैंडर्ड्स होती हैं। ओके, अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो जो भी परफॉर्मेंस एक्चुअल आई है वो परफॉर्मेंस आपको मापना पड़ेगा। मान लो कि प्रोडक्शन यहाँ पर स्टैंडर्ड में 1000 यूनिट था, अब आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस में मान लो 950 यूनिट ही प्रोड्यूस हो पाए, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर करें तो 52 रुपये पर यूनिट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। ठीक है, ये आपने परफॉर्मेंस को मेजर करके पाया। अब आपको इस परफॉर्मेंस को जो आपने मेजर किया है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर देखो ये यूनिट्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि स्टैंडर्ड में आपने सेट किया था कि 1000 यूनिट एक महीने में बनाना है, प्लानिंग थी ये, और एक्चुअली आपके 950 यूनिट ही बने, तो 50 यूनिट का शॉर्टेज हो गया, 50 यूनिट कम बन पाए। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करते समय अब यही चीज़ देख रहे हैं कि जितना स्टैंडर्ड था उतना बना कि नहीं। अब कंपैरिजन हो गई, आपको पता चल गया कि 50 यूनिट शॉर्ट बने, तो ये जो डेविएशन है 50 यूनिट का इसको अब एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब ये जो 50 यूनिट शॉर्ट बने हैं ये क्यों शॉर्ट बने, क्या कारण था इसके शॉर्ट बनने का, किस कारण से 50 यूनिट टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया, 50 यूनिट कम हो गए। ओके, तो वहाँ पर ये एनालाइज करना पड़ेगा इसके कारण, और एक बार आपको कारण पता चल जाए तो फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन यानी कि क्या करें तो ये 50 यूनिट जो कम बने हैं वो अगली बार ऐसा ना हो, नेक्स्ट महीने में 1000 यूनिट का जो टारगेट है वो 1000 यूनिट ही हो जाए। तो करेक्टिव एक्शन, यहाँ पर जो रीज़न आइडेंटिफाई हुए हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब करेक्टिव एक्शन लेने के बाद फाइनली जब नेक्स्ट बार आप बनाएंगे नेक्स्ट मंथ में जो फिर से प्रोडक्शन होगी, तो फिर से उस हिसाब से फीडबैक जाएगी कि इस बार 1000 यूनिट बना कि नहीं, या जो भी करेक्टिव एक्शन लिया गया वो काम आया कि नहीं। अगर आया तो फिर उसके हिसाब से फिर से प्लानिंग होगी, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एस्टैब्लिश होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो पॉइंट है उसको फिर से, ये जो चार्ट में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, तो जो भी टारगेट्स हमको अचीव करने हैं, जो भी यार्ड स्टिक्स या जो भी माइलस्टोन्स हमको अचीव करनी है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उसको पहले ही मैनेजमेंट तय कर लेती है कि इतना काम करना है, ये टारगेट्स अचीव करने हैं, और वो पहले सेट कर लेती है। ठीक है, तो ये जो टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे ये अनअचीवेबल नहीं होने चाहिए, इतने हाई नहीं होने चाहिए कि कोई बंदा इसको अचीव ही नहीं कर पाए, ये रीजनेबल टारगेट्स होने चाहिए जो कि अचीव किया जा सके। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि बेटे तुमको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर भी लाने होंगे, एक नंबर भी कम लाओगे तो हम दुखी हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एक अनअचीवेबल टाइप का टारगेट लगता है हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। कोई आइंस्टाइन का बेटा होता तो उसके लिए ये टारगेट अचीवेबल टारगेट होता, पर हमारे लिए तो ये अनअचीवेबल टारगेट ही लगता है भैया, मैथ्स से तो हमको ऐसे ही डर लगता है। तो अगर हमारे पापा कहें कि बेटा 75 से 80 के बीच मैथ्स में ले आना तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये एक अचीवेबल टारगेट लगता है कि ठीक है चलो अगर मैं थोड़ा मेहनत करूं तो 75 से 80। वैसे आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, लाने की क्षमता रखते हैं, पर मैं एवरेज इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो 75 से 80 या शायद उससे भी नीचे लाते हैं। तो उनके माता पिता अगर 75 से 80 का टारगेट देते हैं तो वो एक रियलिस्टिक स्टैंडर्ड या रियलिस्टिक टारगेट होता है जो कि अचीव किया जा सकता है। ओके, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमेशा रिसोर्सेज को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो मेजरेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखो स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख, रिडक्शन इन कॉस्ट बाई 5%, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेजरेबल हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड्स को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो कि क्वालिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं ये तो क्वान्टिटी से रिलेटेड हैं कि इतना बढ़ाना है इतना कमाना है, पर मान लो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है उसको आप न्यूमरिकल टर्म्स यानी कि नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आपको समझना पड़ता है कि मान लो आपके मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आके देखी कि
क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो सही नहीं आ रही है, तो उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि देखो जैसा हमने क्वालिटी प्लान किया था वैसे बन नहीं रहा है, आप लोग एफिशिएंसी बढ़ाओ और क्वालिटी को सही करो। तो वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 5 रुपए की क्वालिटी सही करो या 5% क्वालिटी सही करो, क्वालिटी सही करने को बोला है और ये आंखों की परख से आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी सही हो रही कि नहीं। तो कभी कभी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेजरेबल नहीं भी होते हैं, जनरली क्वालिटी के केस में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्टैंडर्ड्स एक बार सेट हो गए, यहाँ पर देखो कुछ टाइप के स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, या आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो स्टैंडर्ड्स एक बार सेट हो गए तो उसके बाद आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है उसने जो एक्चुअल वर्क किया है उस हिसाब से मेजर की जाती है। और कभी कभी जब परफॉर्मेंस जो है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर की जा सकती है तो वो बहुत कन्वीनियंट होता है उसको मेजर करना। जैसे मान लो एक सेल्समैन की परफॉर्मेंस को आप बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर्स में सेल करता है, उसने 1000 यूनिट सेल किए या 1500 सेल किए, ये आप इजीली काउंट कर सकते हो, आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तब फिर परफॉर्मेंस को मेजर करना न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में संभव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्वालिटी मेजर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखने की बात है कि एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गए तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ की जो काम की क्वालिटी है उसको मेजर करना पड़ता है। ओके, और एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है। मैनेजर्स की परफॉर्मेंस जो है उनके ऊपर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स बैठे रहते हैं वो लोग मेजर करते हैं, और मैनेजर्स की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है बाय द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजर्स जो भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, या टोटल आप ऑर्गेनाइजेशन की बात ही कर लो, अगर वो एफिशिएंटली चल रही हैं, अगर वहाँ पर लोग डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो सही है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अच्छा है तो आप फ्रीक्वेंट चेंजेस देखेंगे टेक्नोलॉजी में, और प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप हमेशा अपडेशन देखते रहेंगे। तो वैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी जो परफॉर्मेंस है वो सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह से मेजर की जाती है। तो परफॉर्मेंस जो है ये जब भी मेजर होती है ना, ये शॉर्ट पीरियड में मेजर होनी चाहिए। आप 5 साल का परफॉर्मेंस एक बार नहीं मेजर कर सकते, अगर करेंगे भी तो भी आपको करेक्टिव एक्शन लेने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। परफॉर्मेंस जो है ये वीकली या मंथली बेसिस पे ही मेजर होनी चाहिए, ताकि शॉर्ट टाइम में ही आपको डेविएशन का पता चल जाए कि कितना अंतर हो रहा है प्लानिंग से, और आप शॉर्ट टाइम में करेक्टिव एक्शन भी ले सकें। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट है, एक बार आपने परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया तो अब उसको कंपेयर करना पड़ेगा अगेंस्ट स्टैंडर्ड। तो मान लो परफॉर्मेंस जो है एक्चुअल वो मेजर करके 950 यूनिट का प्रोडक्शन आया और स्टैंडर्ड 1000 यूनिट था, तो आप कंपेयर करके देखेंगे कि 50 यूनिट का जो है डेविएशन हो रहा है। तो यही है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। इसके बाद ये जो 50 यूनिट का डेविएशन आया है इसको एनालाइज करना है। ठीक है, ये 50 यूनिट कम आया तो ये जो 50 यूनिट कम आने के कारण है ये हमेशा ही जो टॉप मैनेजमेंट की नज़र में लाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी डेविएशन बहुत शॉर्ट होते हैं। मान लो कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन टारगेट था और आपने 998 यूनिट बनाए, यानी कि 2 यूनिट का डेविएशन हो गया। तो ये 2 यूनिट भी तो प्लानिंग से डेविएशन ही है, लेकिन ये 2 यूनिट का डेविएशन बहुत छोटा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये मैनेजमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। या मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट का टारगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने रखा था 600 रुपये, 600 रुपये में 1 यूनिट जो है उसको जो है मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन आपका 601 रुपया 50 पैसा आ गया, तो 1 रुपया 50 पैसा का जो डेविएशन है इसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को इसको जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि सारे डेविएशंस जो हैं उसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़े या बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशंस अगर जो हो जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेविएशन ला सकते हैं, उन्हीं को टॉप लेवल मैनेजमेंट की नज़र में लाना है। ठीक है, और उन्हीं को अर्जेंटली अटेंड भी करना है, माइनर या इनसिग्निफिकेंट डेविएशंस को छोड़ देना है। ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो डेविएशंस की हमने बात की यहाँ पर वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपके मेजर डेविएशंस हैं, जो बहुत क्रिटिकल डेविएशंस हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर आएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि फोकस जो है वो की एरियाज़ पर होता है, और अगर इन की एरियाज़ में कोई डेविएशन देखा गया तो उनको
अर्जेंटली अटेंड करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो की एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट ला सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो 5 रुपये पर यूनिट से बढ़ गया, तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो हर प्रोडक्ट की हर यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये से बढ़ जाती है। और साथ ही साथ मान लो कि चिट्ठियाँ पोस्ट करने का जो कॉस्ट था आपका वो 20 रुपये से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखो, चिट्ठियाँ पोस्ट करने का कॉस्ट 20 रुपये से बढ़ा और प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट से बढ़ा, तो यहाँ पर आपको सुनने में लग रहा होगा कि 20 रुपये से ये जो बढ़ा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्टल कॉस्ट जो है ये आप बहुत कम इनकर करते हो, आप कितनी ही चिट्ठियाँ भेजते हो ऑफिस से, बहुत कम, लेकिन प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो 5 रुपये पर यूनिट अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, एक यूनिट की 5 रुपये, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट को इमिडिएटली 5 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ा इसके पीछे एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन पोस्टल कॉस्ट जो 20 रुपये से बढ़ गया इसको मैनेजमेंट इग्नोर भी कर सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है और कौन सा क्रिटिकल नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना है, और क्रिटिकल पॉइंट को सबसे पहले कंट्रोल करना है। दूसरा जो ये है पॉइंट है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि एक मैनेजर हर चीज़ को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ कुछ चीज़ें उसको सबॉर्डिनेट के ऊपर भी छोड़ देनी पड़ती हैं। अब एक मैनेजर का स्कोप ऑफ कंट्रोल जो है, उसको जो दायित्व दिए जाते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। अब हर मैनेजर अगर कोशिश करे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं अकेले ही निभाऊंगा, खुद ही सब कुछ देखूंगा, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है और फाइनली वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पाता है। इसीलिए मैनेजर को हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही ध्यान देना चाहिए और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन जो है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ये क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला, इट्स सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर्स। तो मैनेजर्स क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को खुद से पर्सनली नहीं मॉनिटर कर रहा है, वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर कर रहा है, और जो लेस इंपॉर्टेंट या लेस सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, रूटीन टास्क हैं, वो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ दे रहा है, तो इससे मैनेजर का काफ़ी टाइम बचता है। दूसरा पॉइंट है, इट फोकसेज अटेंशन ऑफ मैनेजर ऑन सिग्निफिकेंट मैटर। क्योंकि मैनेजर के यहाँ पर टाइम बच रहा है तो वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर पाता है। तीसरा पॉइंट है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर्स टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स। तो रूटीन प्रॉब्लम्स या चिंदी चिंदी डेली के प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के पीछे मैनेजर का टाइम एंड एनर्जी नहीं जाता है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पीछे ये अपना दिमाग खपा सकता है, ठीक है? और मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन से क्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम्स के बीच में डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को मैनेजर खुद एड्रेस करता है और सिंपल प्रॉब्लम्स को जो है सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देता है। ओके, अब एक बार आपने डेविएशंस को एनालाइज कर लिया, यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अंतर है उसको आपने एनालाइज करके उसका रीज़न निकाल लिया, तो उसके बाद उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस की तरह ही हो, प्लान्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस में अंतर ना रहे, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं इन डेविएशंस को हटाने के लिए। एक तो सबसे पहले कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अगर डेविएशंस माइनर हैं, अगर डेविएशंस बहुत ही थोड़े से हैं, छोटे हैं, जो इग्नोर किए जा सकते हैं, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ इफ़ दे आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरमेंट। मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लान्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि प्लानिंग में ही कुछ गड़बड़ है। ओके, प्लानिंग ही ठीक से नहीं की गई है, स्टैंडर्ड्स ही ठीक से सेट नहीं किए गए हैं, एम्प्लॉयज़ की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना काम ठीक से ही कर रहे हैं, तो उस केस में प्लान्स को रीडिज़ाइन या रीफ्रेम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है? ताकि वो प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरमेंट से मेल खा सकें और उस हिसाब से परफेक्ट प्लान्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बन सकें। ओके, थर्ड पॉइंट है, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ की खराब परफॉर्मेंस की वजह से या किसी मशीनरी वगैरह की खराब परफॉर्मेंस की वजह से प्लान जो है उतना एक्चुअल रिजल्ट नहीं आया। ओके, प्लानिंग के हिसाब से एक्चुअल रिजल्ट नहीं आया, तो उस समय आपके एम्प्लॉयज़ को जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में प्लान और एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो मैच हो जाएं।
अब यहाँ पर मैनेजर्स क्या करेक्टिव मेजर्स लेंगे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप एक बार पॉज करके थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, इसलिए मैं फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ। अब लास्ट पॉइंट है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन सिर्फ करेक्टिव एक्शन में ही एंड नहीं हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद फीडबैक रिपोर्ट बनाया जाता है कि करेक्टिव एक्शन से क्या हमको फायदा हुआ, क्या रिजल्ट निकला, क्या इससे कुछ सुधार आया कि नहीं आया। अब फीडबैक में एक लिस्ट ऑफ रीजंस बनाया जाता है कि प्लान्स और एक्चुअल में क्यों डेविएशन रह गया था और क्या कारण था इन एफिशिएंसी का, ठीक है। और इन रीजंस के साथ करेक्टिव मेजर्स को भी फीडबैक रिपोर्ट में लिखा जाता है और देखा जाता है कि करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो काम आए कि नहीं आए। और इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब आप फिर से फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, तो फिर कंट्रोलिंग फंक्शन से ही फिर प्लानिंग का भी आगाज़ हो जाता है, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन की जो टेल एंड है वहाँ से फिर प्लानिंग का शुरुआत हो जाता है, तो साइकिल जो है मैनेजमेंट फंक्शंस का वो फिर से घूमने लगता है। ओके, अब देखो डेविएशन का मतलब क्या है कंट्रोलिंग में। डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर देखो डेविएशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब मान लो कि आपका स्टैंडर्ड था 1000 यूनिट्स और आपने बनाया एक्चुअल जो है आपने 1050 यूनिट्स बना दिए, तो 50 यूनिट आपने ज़्यादा बना दिए, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। और नेगेटिव डेविएशन है अगर एक्चुअल जो है वो आपके 950 यूनिट ही बने, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया क्योंकि एक्चुअल से स्टैंडर्ड से कम बनाए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंट्रोलिंग वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम पार्ट बी के चैप्टर्स की लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।